आज सो रहे हैं, इनको मैंने फोन किया था, पढ़ लेंगे। देख रहे एकदम बोल रहे बंद कर दे भाई, बंद नहीं। और वापस मांग लिया। देख रहे तो भाई ये चल ही नहीं रही है भाई, ये सजनवा से निकलवाना ही नहीं चाहती हमें। हमारा एक ही है कि हम दोनों आपस में एक दूसरे की वीडियो बनाते हैं भाई। दोस्तों कैसे आप सब लोग, और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ, और आज मेरे चेहरे से देख के लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। आज वो दिन आ गया है जब मैं और मेरी मदर इंडिविजुअली सोलो ट्रैवल के लिए हम निकल रहे हैं। और ट्रैवलिंग कहाँ कहाँ पे होगी, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, और फिर उसके बाद मैं जाऊंगा काठमांडू के लिए। तो बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, और पहला सफर मेरी मदर के साथ में मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। और वो एक्सपीरियंस, वो जो अनुभव है, वो क्या कहते हैं उसे, अतुलनीय है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, अमूल्य है वो। ठीक है, तो आप सबके साथ में मैं जर्नी अब स्टार्ट करते हैं। तो पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे मम्मी ने अपना पैकिंग कर लिया, मेरी रह गई है। मेरे को अभी थोड़ा सा शेव करवा के आनी है, थोड़ा बाल सेट करवा के आते हैं, और उसके बाद में हम तुरंत निकलते हैं। और फिर आनंद विहार से हमारी जो है ट्रेन है, जो कि 8 बजे की है, और 8 बजे से फिर हम गोरखपुर जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फटाफट। मम्मी भी थोड़ा बहुत शॉपिंग करने गई हुई है, थोड़ा छोटा मोटा सामान लेने के लिए। फिर हम जल्दी जल्दी पैकिंग करते हैं, शेव बनवाते हैं और बाल सेट करवाते हैं। मिलते हैं, बाय बाय। ये देखो कपड़े उपड़े सब रख दिए। ठीक है, मम्मी की पूरी पैकिंग हो चुकी है, सारा सामान बस पैक करना है, सारी चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, तो अभी निकलते हैं। ये मेरी बाइक तैयार पूरी। ठीक है, और अभी बस फटाफट निकलना है और शेव वगैरह करवा के आएंगे। तो चलो मिलते हैं। तो अभी ये रास्ता है जो स्टाइल भाई की शॉप पे जाएगा, जहाँ पे अभी हम जो है बाल को सेट करवाने और शेव को सेट करवाने जा रहे हैं। तो गाइस जल्दी मिलते हैं साहिल भाई से भी। देखो ये भाई ना आज सो रहे हैं, इनको मैंने फोन किया था, पढ़ लेंगे। देख रहे एकदम बोल रहे बंद कर दे भाई, बंद नहीं होगी आज ये। ठीक है, और जल्दी भाई जल्दी कर दो यार, लेट हो रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट अपनी शेव करवाते हैं और बाल बनवाते हैं। भाई रेडी हो गए, और कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, आप सबको भी अच्छे लगेंगे। तो हमारे साहिल भाई है, जो कि हमेशा टाइम पर, जब भी अगर मैंने बोला है उसी टाइम पे हमेशा हाजिर हुए, भले वो घर पे हो, चाहे दुकान में हो, या फिर कहीं और दुकान पे हो। ठीक है भाई, कुछ कहना चाहोगे? बस थैंक यू भाई। अच्छा तो भाई अभी चलते हैं और हम आपसे मिलते हैं जल्दी। सो और अब हम रेडी है चलने के लिए 15 डेज ट्रेवल, और पहली बार मम्मी के साथ सफर, जो कि रहेगा ट्रेन के अंदर रिजर्वेशन। तो बहुत ही मजा आने वाला है गाइस, बने रहिए, क्योंकि छोटा छोटा सफर और लंबे लंबे रास्ते, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, पर लेकिन मजा आ रहा है। बहुत मजा आने वाला है। तो देखो तैयारी पूरी हो चुकी है। ठीक है, बैग तैयार हो गया। ठीक है, पूरे 15 दिन के लिए ये मम्मी का बैग तैयार हो गया। ठीक है, ये मेरा एक और बैग है जो कि लेके जाना है। और इसके अलावा हमारी जो सबसे ज्यादा मदद करती है, हमारी बहन जो हमेशा हमारे साथ में रहती है, वो इन्होंने बहुत हेल्प करी है। ठीक है, मेरी दीदी, मेरी जान, देखो ये मेरी मम्मी तैयार हो चुकी है, मतलब फटाफट फटाफट यूं कर रहे हैं, कैसे भी चल के इधर निकलना है। ठीक है, अरे देखो अच्छे यो, और ये हमारा निशु। टाइम हो चुका है 6 बजने वाले हैं, तो अभी हम निकलने वाले हैं, और बहुत मिस करता है। तो बस अभी हम निकल रहे हैं,
ट्रेन हमारी 8 बजे की है, तो 8 बजे से लेकर अगले दिन 12 घंटे की ट्रेवलिंग। और ये हमारा मेन कैरेक्टर छोटा, इसको कहते हैं हम छोटे भाई साहब। देखो देखो छुप छुप के देखेगा, अब तो बोलेगा ही नहीं है। देख रहे देखो पैसे एक्सचेंज हो रहे, देखो ये देखो देखो पैसे एक्सचेंज हो रहे हाँ भाई दे दो भाई, ऑटो का किराया मांग रहे। अरे भाई ऑटो का किराया ले लेना, मम्मी दे दो यार, मैंने अभी आपको दिया ना, वही तो दिया। देख रहे हो मम्मी 100 रुपए वापस मांग रही है। देख रहे हो भाई, सो अब निकलने की तैयारी है। अब हम फटाफट निकलते हैं और पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन आनंद विहार। तो यहाँ से हम आनंद विहार पहुंचने के लिए क्या करेंगे, मेट्रो जाएंगे और मेट्रो से सीधा आनंद विहार ISBT। ठीक है चलो मिलते हैं, बाय बाय। हैं चलो भाई चलो, अब हम निकल चुके हैं घर से बाहर और ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से जल्द नांगले मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे, उसके बाद में हम निकलेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है कि हमने थोड़ा सा रूट चेंज करा है, मेट्रो की बजाय हमने ऑटो कर लिया, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है और सामान बहुत ज़्यादा होने की वजह से ट्रैवल करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो उससे ज़्यादा बेस्ट है कि हमने ऑटो कर लिया, ऑटो से सीधा आनंद विहार। ठीक है, इधर ही ना, इधर ही आओगा, इधर ही इनको बोल दिया मैंने, उसको इधर ही आओगा, तो इधर से भी हम निकलेंगे। यार सामान ज़्यादा भी तो है ना, देखो। ठीक है, तो अभी ऑटो में बैठते हैं फिर मिलते हैं। ये हमारा ऑटो आते हुए बस नज़दीक ही है, पहुंचने वाला है। चलो भाई चलते हैं, वो उधर सामने ऑटो खड़ा हुआ है, तो अब ऑटो के साथ में सामने ऑटो खड़ा हुआ है, तो ऑटो से मिलते हैं। ये सफर शुरू हमारा और आनंद विहार, ऑटो कर लिया है तो ऑटो के अंदर 1.5 घंटा दिखा रहा है, तो 1.5 घंटे तक पहुंच जाएंगे आराम से। तो अब सीधा अब हम मिलते हैं आप लोग आनंद विहार रेलवे स्टेशन। यही से मिल जाएगी फिर सवारी आपको? हाँ यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से बस मिल जाएगी। ये अंकल जी जिन्होंने हमें जो है छोड़ा है थ्री व्हीलर से, और अभी जो है अभी हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। ये रेलवे स्टेशन है, ले लो 40 ले लो। ठीक है, ये रेलवे स्टेशन है। ये रही ना, हाँ या यार यही जाओगी। तो यहाँ पहुंच चुके हैं, अब हम 8 बजे चलेगी, तो एक बार हाँ पहुँच गए भाई और आनंद विहार, और हमें मिल चुका अपना कोच। तो अब यहाँ से अब हम अंदर जाएंगे B14। ये आ जाओ आ जाओ अंदर, चलो 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 चलो। जी 23-24 अगले वाला आगे वाला जी 23-24 एक सैंपल दूसरा दिया है ये वाला, हाँ ये दोनों वाला। सो पहुँच गए, और जो सीट है वो ये वाली सीट, एक ये वाली सीट है। ठीक है, तो ये हो गया रेलवे का खाना। ठीक है, सो सुबह के बज रहे हैं 4 और हम पहुंच चुके हैं नवाबों के शहर लखनऊ में। तो लखनऊ से अब यहाँ से ट्रेन निकलेगी और हम पहुँचेंगे गोरखपुर लगभग सुबह 7 बजे। तो आप इंतज़ार है गोरखपुर पहुँचने का, मम्मी अभी सो रही है और मैं जग गया। ठीक है, क्योंकि यार नींद आई नहीं थी तो इस वजह से। तो देखो यार जो लखनऊ का जो रेलवे स्टेशन है अभी देखो कैसा दिख रहा है सुबह के टाइम पे, पूरा बड़ा बड़ा।
अभी भी। तो अब हम आपको मिलेंगे सीधा गोरखपुर के अंदर, ठीक है। तो 4 बजे से अब यहाँ से लगभग 15-20 मिनट के अंदर, लगभग 15-20 मिनट के अंदर अब ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी। तो मिलते हैं, बाय बाय। सो सहजनवा पहुंचे हैं गाइज, और यहाँ पे ट्रेन जो है वो 3 घंटे लेट है। 7:30 बजे पहुंचना था और लगभग 10:30 बजे के आसपास हम पहुंचेंगे। तो यार बैठे बैठे इंतज़ार करते करते ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और हमारे जो किंग भैया हैं वो 1.5 घंटे से रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं हमारे लिए। अब बताओ 1.5 घंटे से खड़े क्या करें, सहजन वहाँ जा ही नहीं रहा है। देखना, तो शायद चल पड़ी है ट्रेन, चल जा भाई, नहीं चली। ये सजनवा, ये चल ही नहीं रही है भाई, ये सजनवा से निकलवाना ही नहीं चाहती हमें। एक बार निकले तो हमें पता लगे ना कि भाई 15 मिनट का रास्ता बहुत टाइम लगा रहा है। जल्दी चल जाए यार, इंतजार नहीं हो रहा अब। चलो यार मिलते हैं। लेट हो रही थी जब तक, इसी वजह से नहीं चल रही थी। ये देखो अब आई है। फाइनली गोरखपुर पहुंचने वाले हैं, और बहुत जगह रुकी है यार, पैसेंजर से बन गई लास्ट में। तो यार हर जगह पे 10-10 मिनट 15-15 मिनट रुक रही है। सहजनवा पे तो यार 1/2 घंटा, उसके बाद में फिर जगतबेला। अब जगतबेला से निकले हैं, तो बस इंतज़ार ख़त्म हुआ और इंतज़ार की घड़ियां जो चल रही थी वो समाप्त हो गई। अब हम पहुंच गए वाले हैं, तो मिलते हैं अब गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे। मेरी हालत ख़राब हुई, बैठे बैठे तंग होगी, 3 घंटे लेट। मम्मी कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ट्रेन लेट हो तो कैसा लगेगा? 3 घंटे से ज़्यादा लेट। रबड़ी बड़ी केक बिस्किट पहुंच गए फाइनली गोरखपुर, गोरखपुर जंक्शन। अब निकल रहे हैं भाई। फाइनली हम गोरखपुर पहुंच गए, और ये जो हमारा सफ़र है बहुत ही रुक रुक के रहा। तो अब हम वेट करेंगे किंग भाई का, वेट क्या करेंगे, वो हमारा वेट कर रहे हैं भाई 1.5 घंटे से। किंग भाई खड़े होंगे वहाँ पे, ठीक है, रेलवे स्टेशन के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं पिछले 3 घंटे से। आप पहुंचेंगे अब हम मशक्कत करते हुए धीरे धीरे जन, और इसके सामने खड़े हैं भाई बोरे। दिख गए वो रे बोलो मेरी हमारा एक ही है कि हम दोनों आपस में एक दूसरे की वीडियो बनाते हैं भाई। तो हमें हमारे भाई मिल चुके हैं।
भाई इंतजार करवा के कैसा लग रहा है आपको? तुम बता तो ना लेट होते कैसा लग रहा चलो बैग अंदर लग रहे बैठो तीन घंटा लेट होता है। सो हमारे भाई साहब हमें मिल चुके हैं अब। दो घंटे से इंतजार कर रहे थे हमारा और दो घंटे के बाद में हम अब जाके गोरखपुर रेलवे स्टेशन उतर के गाड़ी में बैठ चुके हैं और घर की ओर निकल रहे हैं। मम्मी पूरी थक चुकी है। अरे मम्मी सफर कैसा रहा, कैसी लगी? ट्रेन का तो बताओ। अरे आराम से बैठ के तो आए सारी चीज और क्या। आराम से तो बैठ के आए। हाँ देख लो थक गया आंटी पूरा है। हाँ मम्मी थक गई भाई। घर पहुंच गए भाई फाइनली अपने। बताया था ना ये हो गया स्टार्टिंग। ये काठमांडू के लिए है पूरा पैसा और ट्रिप जो है जबरदस्त जाने वाला है। घर हम पहुंच गए और अब यहाँ पे हम अपने ब्लॉग को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं और उसके बाद में मिलते हैं हम अब आपको अगले ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भाई से तो मिल लो यार देखो।